हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी कि मैंने सोचा था चलो एक अच्छा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे तो मिनी भी आई हुई हैं, अगर आप मिनी का व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें कि मिनी व्लॉग बनाओ, मिनी व्लॉग बनाओ। तो मिनी जब वो आपके कहने पर व्लॉग ज़रूर बनाएंगी, लेकिन मेरे कहने पर वो नहीं बनाएंगी। इसलिए अगर आपने मिनी का बनावा व्लॉग देखना है तो आप इस व्लॉग के नीचे कमेंट करें कि मिनीज व्लॉग, मिनी व्लॉग, मिनी व्लॉग, ठीक है। तो मिनी जो है वो लाजमी अब जो है वो व्लॉग बनाएगी, ठीक है। काफ़ी दिन से मैंने काम ही नहीं किया, ना मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन स्टिल ये मेरी अनायत है कि नई नई वीडियोस आती रही, क्योंकि एज़ यू पीपल नो कि मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके सेव की हुई होती हैं कि जब मैं बीमार हो जाऊँगी, कब जब मैं ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ तो मैं वो यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो मैं जो है कुछ मसरूफ़ भी थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने जो है वो पुरानी वीडियोज़ जो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी उनको मैंने अपलोड किया, जिसकी वजह से आपको इतना फ़ील नहीं हुआ कि इजी जो है वो गायब है, ठीक है। आज मैंने कहा कि चलो जाके वीडियोस बनाते हैं, आज फिजान भी नहीं आया, मैंने अकेली ने सारा काम किया, वीडियोस वगैरह बनाई हैं। अब मैंने कहा कि चलो इतनी मेहनत से वीडियोस तो बनाई हैं, चलो थोड़ी सी मेहनत और करके जो है ना वो एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो है वो चार वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और चारों चारकोल की हैं और एक जो है वो ग्रिटी वाली है, लेकिन मैंने पाँचवें चारकोल की वीडियो पूरी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरे अंदर मज़ीद कैपेसिटी नहीं बची, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो है छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं ताकि फिर लोग ये ना कहें कि इसी ने कोई भी अवेयर नहीं दी, ठीक है। इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मिनी आई हुई हैं, जो उनका व्लॉग देना चाहता है जाए और जाके उनसे कहें ताकि वो आपके लिए व्लॉग बनाएं। बाकी इस व्लॉग में हम थोड़ी सी कब्बे मारेंगे। आप लोग बताएं आप सब कैसे हैं, इजी के व्लॉग को मिस करते हैं, नहीं करते हैं, या आपकी आपको इजी की वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी, मैंने लास्ट टाइम भी दो न्यू टप्स में वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, अभी मैं एक दोबारा नया टप लेने लगी हूँ, इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में मैं ले लूँगी। तो आप लोग बाकी जो है वो बताएँ कैसी लग रही हैं आपको वीडियोज़, ठीक है। अभी तो मौसम चेंज होना अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा शुरू हुआ है, पहले जितनी गर्मी नहीं है अब तो। यस, अब मैं ये देखी ज़रा, मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना था, उसका पतीसा ही बन गया। आज फिजान ही नहीं आया, मैंने खुद ही जो है वो टक वगैरह खाली की हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देखिए ज़रा कितना डस्टी टेक्सचर है, बस कि थोड़े दिन नहीं है डस्टी टेक्सचर्स की, थोड़ी सी सर्दी और आ गई तो आप लोगों को ये डस्टी वीडियोस देने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको इंजॉय कर लें इससे पहले कि सर्दी आ जाए, ठीक है। अब मैं एक आधी शेप इसकी जो है वो व्लॉग में रिकॉर्ड करूँगी और फिर एक आधी और किसी की करूँगी और बस छोटा सा व्लॉग जब वो कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली है और मैंने शावर लेना है, उससे पहले टाइम कम है। देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर है, पिघल रहा है हाथों में, पिघल रहा है। देखिए ये मैंने बड़ी मेहनत से टेक्सचर बनाया है, अंदर से इतना ठंडा है ना, वही ना मौसम की तब्दीली जो है वो टेक्सचर्स में वाजिया नज़र आ रही है, ठीक है। और अभी तो अच्छा खासा मौसम में फ़र्क पड़ गया है, अब आगे जो है वो मज़ीद मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर डस्टी वीडियोज़ गनीमत ही होंगी, ठीक है। तो ये थोड़े से दिन हैं, इंजॉय कर लें अच्छी अच्छी वीडियोज़। दस थोड़ा सा वेट है कि एज आई मैंशन डल रही है कि अब धूप पहले की तरह नहीं निकलती। ये इतना मुलायम टेक्सचर है ना, आप लोग फील करिए ज़रा, बहुत मुलायम सिल्की। इतना मज़ा आ रहा है इसके इसी के साथ प्ले करते हुए, वाह कमाल। अब जो एक यहाँ से शेप उठाते हैं, मैं सोच बता दूँ, पता नहीं फिजान ने ये कैसे की हुई है, कोई ये नहीं निकलती मुझसे। और यहाँ पर मुझे तवा भी नज़र नहीं आ रहा, वरना इसको खुरच ही लेती, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ये इसके साथ स्टिक है। चलो इसका एक ही उतार लेते हैं, एक हाथ से मैं कुछ कर ही ना लूँ,
इतना मज़ेदार टेक्सचर, इसकी पूरी की कर लेते हैं ताकि ब्लॉग करने का वीडियो बोलिए उसको मजा तो आए। वाह कमाल, सुपर डस्टी। इसके साथ साथ स्प्रे कर लेते हैं, चलिए जी ये हो गया। इसी शेप इसकी उठाते हैं, चलो जी बस अब मैं चलता हूँ। हाय बस हो गई है मेरी, अब ये वाला टब्बे भी खाली करना है और वो वाली बाल्टी भी खाली करनी है। ये काम होता है फैज़ान का, चूँकि फैज़ान आज एब्सेंट है तो ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, और यकीन करें ये बहुत मुश्किल काम है। अरे मुझे सांस चढ़ गया, मेरे अंदर बिल्कुल भी सख्त नहीं है इसको खाली करने, लेकिन मैं करती हूँ इसको। पहले मैं थोड़ा सा अंदर से निकाल लेती होती हूँ ताकि वो टब्बे थोड़ा हल्का हो जाए, तो ऐसे निकालने के बाद ऐसे अब जो है मैं टब को जब नीचे करूँगी ना, मैं मर गई हूँ। वो खुद ही सुबह फजान आ के खाली करेगा। अरे मेरे में नहीं हिम्मत उसको खाली करने की, हम इसको धोते हैं और चलते हैं वापस ब्लॉग का यहीं पर। अल्लाह हाफिज़।